जय श्री राधे। वैदिक ऋषि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको लक्ष्मी पूजन में किस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वह मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा थोड़ा ये भी बता दूंगा कि उन सामग्रियों का प्रयोग कहाँ पे करें। जैसे सभी को मालूम है, श्रीफल नारियल, वैसे श्रीफल सही में अगर देखा जाए तो बेल के फल को कहा जाता है, परंतु श्री नारियल को भी लोग कहते हैं। तो एक नारियल, कुमकुम, मौली, सिंदूर, गुलाल अबीर, अष्टगंध, कपूर, हल्दी पाउडर, धूप बत्ती, अगरबत्ती न लें, धूप बत्ती का प्रयोग करें, कापूस, पीली सरसों, सुपारी, लौंग, इलायची, जनेऊ माता लक्ष्मी के लिए नहीं है, जनेऊ का प्रयोग गणपति जी को कलश को चढ़ाने में। उसके बाद आपका दोना पत्ते का रहे, जिसमें नैवेद्य लगाना है भोग, पंचमेवा, पान का पत्ता, माला फूल यह कम से कम 4 होना चाहिए, अन्यथा 5 भी ले सकते हैं, खुला फूल मिक्स कम से कम आधा किलो, कमल का फूल अगर महंगा है तो मत लें, परंतु अगर आपको मिल जा रहा है सुविधाजनक तो कमल का फूल माता लक्ष्मी की अर्चना करने के लिए, गुलाब का फूल, दुर्वा, तुलसी पत्र, बेल पत्र, ये सामग्री, साथ में मिष्ठान। माता लक्ष्मी को अति प्रिय है सफेद मिठाई, बर्फी इत्यादि, ऋतुफल और पंचामृत बनाने के लिए गाय का दूध, दही, घी, ये तीनों गाय के मिल सके तो बहुत अच्छे हैं, शहद और शक्कर यानी राव चीनी, इनसे आप ये बनाएं। उसके साथ में सामग्री और भी हैं, जैसे कमल गट्टे का बीज 8, हल्दी गांठ 5, धनिया, खड़ी धनिया, धान का लावा जिसको हम लाजा बोलते हैं, धान का लाजा, बताशा और ईख दंड यानी गन्ना, 2 सवा सवा हाथ का 2 टुकड़ा या पूरे गन्ने। उसके साथ में दीपक, मिट्टी के दीपक 11 हो, 21 हो, और दीपावली का दीपक जो होता है वो 2 होता है, एक गणेश लक्ष्मी की बनी रहती है, तो गणेश लक्ष्मी का दीपावली के दीपक में दीपावली को प्रज्वलित करते हैं। ध्यान दें कि जब दीपावली के दीपक को प्रज्वलित करें तो सब में धान का लाजा डाल दें, थोड़े थोड़े बताशा डाल दें, जो ईख दंड है वह माता लक्ष्मी के दोनों तरफ दाहिने और बाएं हाथी रहते हैं, तो उन हाथियों के लिए यह ईख दंड है यानी गन्ना है, भाग जाए। और जितनी भी सामग्रियां हैं आप उनसे माता लक्ष्मी की पूजन करें। यह जो हल्दी गांठ है, धनिया है, दुर्वा है, इन सबको और पीला फूल माता और कमलगट्टे की बीज, इनको माता लक्ष्मी को चढ़ाएं, और चढ़ाने के बाद में इसे आप लाल कपड़े में बांध करके या प्लास्टिक पेपर में डाल दें, उसके बाद लाल कपड़े में बांध करके आप अपने खजाना जहाँ पे गल्ला रखते हैं या जहाँ पे कैश रखते हैं
वहां पे इनको माता लक्ष्मी को स्वस्तिक बना करके उस जगह स्थापित कर दें। इस प्रकार से यह माता लक्ष्मी के पूजन की सामग्री हुई। जय श्री राधे।